हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपकी मैथ क्लास में। हमने कल जो कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे टॉपिक हमारे ये थे, एक था माइनर, एक था कोफैक्ट, एक था एडजॉइंट, एक था इनवर्स। ये हमारे चार टॉपिक थे जो हमने कल पढ़े थे। अब हम इसके आगे एक कल इसी के साथ हमने एक एग्ज़ाम्पल भी तैयार किया था, इसी के साथ हमने एक एग्ज़ाम्पल भी लिया था। अब उसके आगे हम एक आपको एग्ज़ाम्पल करा के दिखाएंगे, जिसका आपको ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको अगले टॉपिक पर लेके चलेंगे। तो देखिए हमारा एक एग्ज़ाम्पल क्या होगा। हमारे एक एग्ज़ाम्पल है, हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, ये इसी का एग्ज़ाम्पल है। हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स हमारा क्या है, मैट्रिक्स हमारा है 1 2 1 0 1 1 0 0 1। ये हमारा 3×3 का कोई एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स में क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स में हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमारा सूत्र ये होता है ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि हम यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे इसके साथ, देखो क्या करेंगे, वन, हम वन मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, तो हमारे क्या बचेगा, वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे, माइनस वन का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, जी माइनस। अब हम ले लेंगे ये वाली फॉर्म, क्योंकि हम ये वाली फॉर्म क्यों लेंगे, ये वाली क्यों नहीं, देखो हमें हमेशा वो वाली फॉर्म लेनी चाहिए जो हमारे सरल पड़ जाए। देखो ये हमारी सरल पड़ जाएगी, अगर हम ज़ीरो लेंगे तो हमारी जो भी कंडीशन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी पूरी, प्लस अगली कंडीशन भी जीरो तो हमारी पूरी जीरो हो जाएगी। इक्वल टू मोड़ी हमारा कितना निकल जाए, जब वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो हमारा आ जाएगा वन। तो हमारा जो मोड़ होगा, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, वो हमारा क्या है, वन। हमारा सीधा हिसाब है, हमारा सीधा प्रोसेस है इस एग्जांपल का। हमारे जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आ, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा, जो हमारे कोफैक्ट होंगे जो एडजॉइंट ए में, वो हमारे बिल्कुल सिंपल सेम ही आएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं आएंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम इसका मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट ऑफ माइनर निकालेंगे। जब माइनर निकालेंगे तो हमारा माइनर के साथ ही कोफैक्ट निकलेगा। देखो जब हम M11 निकालेंगे, M11 ये होगा तुम्हारा वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे, वन माइनस वन का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा वन। और देखो यहाँ पे क्या होगा, M12 क्या होगा, वन और टू मतलब जीरो वन बचेगा। तो जीरो का मल्टीप्लाई वन में करेंगे जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई वन में करेंगे जीरो, मतलब पूरा जीरो आएगा। तो M13 मतलब 0 1 और 0 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में, मतलब पूरा प्रोसेस हमारा 0 आएगा। अब करेंगे M21, हम 2 लेंगे मतलब 2 और 1, हमारे क्या बचेगा 2 1 और 0 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 माइनस, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, क्या हो जाएगा 2। M22 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 और 2, मतलब हमारे क्या 2 और 2 की फॉर्म में कौन सा हमारा एलिमेंट बचता है, हमारे कोने वाले एलिमेंट मतलब 1 1 0 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 इक्वल टू आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे M23, 2 और 3 हमारे क्या बचेगा 1 2 0 0। हम इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि आपको हमने कल बता दिया था, हमें इस तरह बेस में एक 2×2 की फॉर्म का एक मैट्रिक्स बनाना होता है, उसके बेस्ड हमें माइनर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे इतना बड़ा प्रोसेस ना लेके हम आपको डायरेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि तो आपने कल यहाँ पे सीख लिया है कि हम किस तरह माइनर निकालेंगे। ओके, देखो M23 निकालेंगे, 23 का 2 और 3 हमारे क्या बचेगा 1 2 0 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, मतलब पूरा प्रोसेस 0। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे ले रहे हैं M31 3 और 1, क्या बचेगा 2 1 1 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 इक्वल टू 1। M31 3 2 2 1 निकल के 3 2 3 और 2
बचेगा हमारा वन वन और जीरो वन, वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे वन, वन का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे माइनस जीरो, इजिक्वल टू आ जाएगा वन। ओके एम थ्री थ्री मतलब थ्री और थ्री हमारे क्या बचेगा वन टू जीरो टू जीरो वन, तो हमारा वन का मल्टीप्लाई वन में और जीरो दो टू का मल्टीप्लाई जीरो माइनस टू इजिक्वल टू हमारे ये क्या निकल गए माइनस। अब हमें यहीं पे क्या निकालना है कोफैक्टर, हमने आपको बता दिया था कोफैक्टर हमारे कैसे निकलते हैं, जो हमारे माइनर होंगे इसमें वही हमारे कोफैक्टर होंगे, वही हमारे कोफैक्टर होंगे। हमारे यहाँ सी वन वन सिर्फ हमारे कोफैक्टर में क्या था माइनस प्लस चेंज हो जाते हैं। देखो अब हम यहाँ पे प्लस से लेके चलेंगे मतलब प्लस माइनस प्लस, तो हमारे क्या हो जाएगा ये सी वन वन प्लस का कॉमा सी वन टू क्या हो जाएगा जीरो है, प्लस का रहे माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी वन थ्री जीरो है। अब क्या लेंगे सी टू वन टू, अब कैसे शुरू करेंगे माइनस टू हो जाएगा, माइनस से शुरू करेंगे माइनस टू, अब क्या हो जाएगा सी टू टू, अब प्लस आ जाएगा तो प्लस का वन, और सी थ्री टू थ्री, टू थ्री में क्या होगा माइनस प्लस माइनस मतलब जीरो होगा माइनस का, और जीरो जब माइनस का होगा प्लस का होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमने यहाँ पे प्लस और माइनस की फॉर्म दी, देखो कैसे अब हम यहाँ क्या से शुरू करेंगे किससे प्लस प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ से क्या शुरू करेंगे माइनस, तो माइनस टू आ गया या प्लस का टू है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा या प्लस का ही वन, यहाँ पे माइनस आएगा माइनस का जो जीरो है हमारा वो माइनस का रहता है प्लस का हमारा जीरो ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा मतलब, और हमारा थ्री वन, अब देखो यहाँ पर जाएगा सी थ्री वन, थ्री वन क्या है अब प्लस से शुरू करेंगे तो हमारा प्लस का वन ही रहेगा, थ्री टू प्लस अब माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का वन, और थ्री थ्री और फिर प्लस ये हो जाएगा प्लस का वन। अब हमारे देखो माइनर के साथ ही हमारे कोफैक्टर निकल गए, अब देखो माइनर के साथ हमारी कोफैक्टर निकल गए, हमारे यहाँ क्या था एड ज्वाइंट जो ए है उसका प्रोसेस क्या होता है सी वन वन सी वन टू सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री थ्री सी थ्री टू सी थ्री थ्री, ये होता है हमारा थ्री इंटू थ्री का फॉर्म एडजॉइंट ए का। ओके हमारा ये होता है एडजॉइंट ए का थ्री इंटू थ्री का फॉर्म, जब हम इसमें यहाँ पे रखेंगे जब वैल्यू रखेंगे एडजॉइंट ए जब वैल्यू रखेंगे सी वन का, देखो सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री मतलब सीधे रखते हुए जाएंगे, पहले ये रख देंगे फिर ये देखो सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री, तो हमारे क्या जाएगा वन जीरो जीरो। ओके अब ये रखेंगे ऊपर से टू वन जीरो माइनस टू वन जीरो। ओके अब ये लिखेंगे वन माइनस वन वन। ओके हमारा ये आ गया। ओके अब हमारे यहाँ क्या ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ निकालेंगे ए इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये, तो वन जीरो जीरो माइनस टू वन जीरो वन माइनस वन वन, ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए, व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ ए वन है, हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ए का वो वन आया था। ओके हमारी जब हर किसी के एलिमेंट में जब इसके ऊपर रखेंगे वन इंटू वन हमारा वन ही आएगा, मतलब वन से किसी बार डिवाइड करो वो वन ही आएगा, तो हमारा ए इनवर्स जो आएगा वो आएगा वन जीरो जीरो माइनस टू वन जीरो वन माइनस वन वन, थ्री इंटू थ्री के फॉर्म का हमारा जो ए इनवर्स का वैल्यू आएगा वो आएगा वन माइनस टू वन जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो वन, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए और कोफैक्ट माइनर और इनवर्स, मतलब सारी प्रोसेस को लेके हमारा लास्ट में आंसर आता है वो आता है इनवर्स में। ओके देखो हमने पहले किया था जब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए जब वन आया तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो आंसर सेम ही आएगा कुछ, तो देखो हमारे वन माइनस टू वन हमारा वन टू वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन हमारा क्या आया सेम आया, बस यहाँ क्या होता है माइनस के टू या माइनस का वन, यहाँ क्या था प्लस का टू प्लस का वन,
जब हमारा कुछ ऐसा एलिमेंट आता है तो हमारे कुछ कुछ प्रोसेस सेम ही आते हैं। ओके, तो ये मान के चलना, जब हमारे कुछ कुछ प्रोसेस या जो भी मैथमेटिक्स है अगर कुछ सेम आ रहा है तो मतलब हमारा जो प्रोसेस हुआ है वो हमारा बिल्कुल सही हो गया है। ओके, तो ये एग्जांपल आप समझे होंगे और बहुत ही अच्छे से हमने कराया, आपको समझ में भी आया हो। तो अगले हमारे टॉपिक पे चलते हैं, अगले टॉपिक आपको देखो कराएंगे, अच्छा टॉपिक है। ओके, ये रेज कर देते हैं। ओके, तो हमारा देखो टॉपिक क्या, टॉपिक है हमारा टू टॉपिक है हमारे दो टॉपिक हैं हमारे दो टॉपिक हैं देखो यहाँ देखो दो टॉपिक हैं कौन से, पहला है 4x4 का मैट्रिक्स आपको बताना, दूसरा है सरस रूल क्या होता है। और 4x4 का मैट्रिक्स तो आप जानते ही होंगे, जैसे हमारे 3x3 का मैट्रिक्स होता है वैसे 4x4 का मैट्रिक्स होता है। हम यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना सीखेंगे और सरस रूल सीखेंगे जो बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे जो हमारा कुछ भी अगर हमारे मैट्रिक्स में कोई सवाल निकालना हो उसमें आसानी आ जाती है। देखो अब हम यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स और निकालेंगे, कोई अगर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेंगे 4x4 का, ओके हमें क्या लेंगे 1 2 0 1 0 0 2 1, सिंपल और सरल लेंगे हम, लेंगे 3 4 0 2 2 0 2 4, हमने ये कोई मैट्रिक्स ले लिया 4x4 का। ओके, 4x4 मतलब 4x4 का मैट्रिक्स है, ये जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 16, मतलब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो हमने पहले आपको पढ़ाए होंगे बताए होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे होंगे 16, हमारे इसमें रो एलिमेंट हमारे कितने होंगे 4 और कॉलम एलिमेंट 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 16 होंगे, इस तरह आपको बताया होगा। देखो जब हम ऐसे कोई 4x4 के मैट्रिक्स में हम कोई डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो देखो कैसे निकालते हैं, हम अगर इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो देखो हम इसमें क्या करेंगे 3x3 की फॉर्म का मैट्रिक्स बना लेंगे। देखो हम क्या लेंगे, ये 1 1 ले लिए, अब हमारा देखो हम वहाँ पे क्या बनाते थे 2x2 की फॉर्म का मैट्रिक्स, अब क्या बनाएंगे 3x3 का फॉर्म का मैट्रिक्स। देखो जब हमारा हमने लेंगे रो 1 और C1, मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो हमारे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0 2 1 4 0 2 0 2 4, हमारा बच गया ये। ओके, माइनस अब हम क्या लेंगे 0, हम क्या लेंगे ये लेंगे, अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे 0, जब हम कोई 0 फॉर्म लेंगे तो हमारी अगली जो फॉर्म आएगी वो 0 आएगी, प्लस अब लेंगे 3, तो 3 लेंगे तो 3 में हमारा कौन सा मैट्रिक्स जा रहा है, देखो जब हम ये लाइन लेंगे मतलब ये 3 4 0 2 की और 1 0 3 2 की लाइन लेंगे तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, देखो बचेगा 2 0 1 0 2 1 और हमारी लास्ट वाली लाइन 0 2 4। ओके, अब हम किससे शुरू किया था, प्लस माइनस प्लस, हम माइनस से शुरू करेंगे। ओके, माइनस अब माइनस में हम कौन सी लेंगे 2 2, हमारी मतलब ये वाला और ये लाइन, तो हमारे क्या बचेगा, सिंपल है हमारे क्या बचेगा 2 0 1 0 2 1 4 0 2, हमारा ये हमारे 3x3 का मैट्रिक्स बन गया, 3 हमारे जो 4x4 की मैट्रिक्स में से हमारे 3x3 के मैट्रिक्स निकल गए। ऐसे हमारे 4 मैट्रिक्स निकलते लेकिन हमारा एक एलिमेंट क्या था 0, जब हम 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए हमने उसे 0 लिख लिया। अब देखो इसका हम क्या निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ, इसके अंदर का निकालेंगे, इसके अंदर का, इसके अंदर का, ठीक है हम कैसे निकालते हैं, इसका 1 हमारा बाहर है। ओके, अब हम पहले 0 एलिमेंट लेंगे, 0 पूरा 0 हो जाएगा,
ओके, जीरो एलिमेंट लेंगे पूरा जीरो, माइनस अब हम लेंगे फोर, फोर में हमारे क्या जाएगा ये और ये, तो हमारे घर जाएगा टू वन और टू फोर, जब टू का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे एट, टू का मल्टीप्लाई वन करेंगे माइनस टू और प्लस जीरो, तो हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा जीरो, ओके जीरो हो जाएगा, ये माइनस जीरो हम हटा देते हैं क्योंकि जीरो हमें ना किसी में से घटाना है ना ही कहीं जोड़ना है, ओके हमारे क्या हो जाएगा प्लस थ्री, बाहर रहेंगे हम इसका कर देंगे, हम क्या लेंगे टू, टू लेंगे हमारे क्या बचेगा ये और ये जाएगा, मतलब कॉलम सी और पहला कॉलम और पहला रो जाएगा, हमारे क्या हो जाएगा टू वन टू फोर, टू का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एट और टू का मल्टीप्लाई वन करेंगे तो हमारा हो जाएगा टू, माइनस हम ये वाला जीरो लेंगे जीरो, प्लस हम ये वाला जीरो लेंगे जीरो, मतलब जीरो जीरो, हमारे दोनों जो अगले एलिमेंट हैं हमारे आर वन और आर टू के वो हैं जीरो और जीरो, तो हमारे जीरो और जीरो मतलब हम अगर उनकी मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे, कोई अगर एलिमेंट लेते हैं ये वाले, अब जीरो वन टू जीरो फोर बचे, और ये एलिमेंट लेते हैं कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस हमारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारा जीरो आ रहा है पहले ही, हमारे जब कोई एलिमेंट हमारे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में तो पूरा प्रोसेस हमारा जीरो ही हो जाना है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत बार बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पे भी देखो टू ले लेंगे, टू हमारे क्या हो जाएगा टू वन जीरो टू, टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे फोर, माइनस वन का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, ओके माइनस हम जीरो लेंगे पूरा प्रोसेस जीरो हो जाएगा, प्लस वन लेंगे वन तो हमारे क्या हो जाएगा जीरो टू फोर जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो फोर का मल्टीप्लाई एट हो जाएगा, एट हो जाएगा, तो हमारा देखो ये आ गया हमारा इतना प्रोसेस, हमारे जो फोर इंटू फोर का मैट्रिक्स में हमारे जो थ्री इंटू थ्री के तीन मैट्रिक्स बने हैं वो हमारा इतना बड़ा प्रोसेस आया है, तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करके हल निकालेंगे, देखो जीरो हमारा जीरो ही रहेगा, डाउट ये क्या बचेगा माइनस का फोर, इसके अंदर का मल्टीप्लाई हम आठ में से टू हटा देंगे सिक्स, ये जीरो छोड़ दो, प्लस थ्री हम क्या ले लेंगे थ्री आ गए हमारे और टू हम ले लेंगे आठ में से टू गए सिक्स और ये जीरो जीरो छोड़ दो, ओके माइनस टू हम क्या लेंगे हम लेंगे टू, अब देखो यहाँ पे क्या है अगला फॉर्म क्या है जीरो कोई घटाई नहीं, तो यहाँ से चार का मल्टीप्लाई टू में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एट और यहाँ जीरो हट छोड़ दो, यहाँ क्या बचेगा जब माइनस एट का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो माइनस एट, ओके माइनस एट हो गया, अब देखो यहाँ से और ये हो गया पूरा ब्रैकेट बड़ा वाला, ये ब्रैकेट छोड़ दो, ये देखो अब हम अलग अलग फॉर्म डिनोट करेंगे, देखो सेट का मल्टीप्लाई फोर में जो माइनस का चौबीस इंटू वन तो चौबीस रहेगा, प्लस छः का मल्टीप्लाई टू में बारह और बारह का मल्टीप्लाई थ्री में प्रति छत्तीस, माइनस यहाँ क्या हो रहा है ये कितने एट माइनस के ये कितना है प्लस का, ये हो जाएगा कैंसिल तो आ जाएगा ये हो जाएगी फॉर्म जीरो, ओके अब हम यहाँ से क्या करेंगे हमारा चौबीस माइनस का है छत्तीस के अंदर प्लस का, तो हमारे छत्तीस में से चौबीस माइनस हो जाएंगे, हमारा जो माइनस की फॉर्म मतलब जो हमारा एलिमेंट आएगा अगला वो हमारे प्लस में आएगा क्योंकि हमारे जो एलिमेंट है वो प्लस में ज़्यादा है, तो हमारे क्या हो जाएगा छः में से जब हम फोर घटेंगे टू बचेगा थ्री में से टू वन, मतलब जो बारह हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है वो कितना है बारह, मतलब जो हमारा आया है डिटरमिनेंट ऑफ ए वो आया है प्लस में, क्योंकि हमारे यहाँ प्लस के ज़्यादा थे माइनस के कम थे, तो हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है बारह, तो फोर इंटू फोर की फॉर्म का भी डिटरमिनेंट निकल सकता है, कैसे निकला है देखिए आप, जब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे यहाँ कैसे निकलता नहीं निकल पाता ना, ऐसे कोई प्रोसेस नहीं थी कि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते, देखो लेकिन हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखो यहाँ पे जो रो और कॉलम बने आर वन आर टू आर थ्री और हमारा अगला फॉर्म क्या होता है आर फोर और यहीं पे सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, मतलब जो हमारा सी थ्री तक था इसमें थ्री तक है और इसमें फोर तक हो गया हमारा दो, ओके हम हमारा फोर इंटू फोर का जो भी अगर मैट्रिक्स अगर इसी में का कोई अगर सवाल आए हमारे इनवर्स निकालने के लिए तो हम अच्छे तरह से मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ओके
हम इस तरह अगर हमने ये निकाल के आपको दिखा दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके। अब अगला हमारा रूल चलता है सरस रूल। सरस रूल में देखो क्या होता है, सरस रूल डिटरमिनेंट ऑफ ए के ही ऊपर बेस्ड है, बहुत अच्छी थियरी है ये। देखो हमारा जो दूसरा रूल है वो सरस रूल, सरस रूल है जो हमारी दूसरी थियरी है वो सरस रूल है। सरस रूल में क्या होता है, ये सिर्फ 3 × 3 की फॉर्म पे ही बेस्ड होता है। मतलब अगर ये किसी सरस रूल होता है, अगर ये किसी भी फॉर्म में अगर अप्लाई होगा तो वो होगा 3 × 3 की फॉर्म में अप्लाई। देखो हम कोई 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 1 0 2 1 2 1 0, ओके। ये हमने ले लिया कोई एक मैट्रिक्स 3 × 3 का मैट्रिक्स। अब हम इसका मोड डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, ए निकालेंगे तो 1 हमारी क्या बचेगा, 2 1, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 0 - 1 और ये 0 हो जाएगा और प्लस 2 लेंगे हम तो हमारे क्या बचेगा 2 - 2, ओके। ये माइनस हो जाएगा बचेगा, यहाँ तो माइनस का 0 है, ये भी माइनस का है, प्लस का 0, यहाँ क्या बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा वो हमारा माइनस का होगा, ओके। बहुत ही आसानी से निकल के डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। लेकिन ये हमारा क्या था, आसान मैट्रिक्स, जिस फॉर्म में हमारा कोई एक एलिमेंट अगर 0 आता है वो मैट्रिक्स खुद में खुद आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी एक हमारी ये 3 मैट्रिक्स की मुसीबत होती है। एक हमारा पहला मैट्रिक्स ये निकलता है, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब पहला R1 R2 R3, मतलब हमारी जो 3 जो मुसीबत होती है अगर 0 आता है किसी एक एलिमेंट को, तो हमारा पहला जो होता है मुसीबत, दूसरा या तीसरा कोई भी अगर 0 फॉर्म में आ रहा है तो एक मुसीबत या 2 मुसीबत ख़त्म हो जाती है हमारी। अगर तीनों फॉर्म में 0 आ रहे हैं तो वो पूरा ही मैट्रिक्स 0 आ जाए। अगर सिंपल भाषा में, अगर एग्ज़ाम में आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए जल्दी निकालना है, सिंपल आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए जल्दी निकालना है, और दूसरा क्या है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो हमारे क्या करेंगे, अगर हमारी कोई 2 और 3 हमारे 3 क्या दे रखे हैं, रो अगर या है या कॉलम हो, या इधर कॉलम होती है, ओके, इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो चारों तरफ, अगर ये 0 दे रखे हैं तो हमारा पूरा तो डिटरमिनेंट ऑफ होगा 0। अगर इसमें से 2 0 दे रखे हैं, एक में कोई एलिमेंट दे रखा है, तो हमें उन 2 एलिमेंट को छोड़ के हमें बस ये एलिमेंट लिख लेनी चाहिए, और उसके बाद के जो एलिमेंट है वो 0 बिना सोचे समझे 0 लिख देने का, क्योंकि सोचने का कोई विचार ही नहीं कि जो जब हमारा एलिमेंट कोई 0 दे रहा है तो पूरा एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। और हमारे जो तीसरा प्रश्न, मतलब कोई भी अगर 2 3 कोई भी अंक है उसका जो लेके हमें 2 × 2 जो 2 × 2 का फॉर्म है वो मैट्रिक्स लेके हमें डायरेक्ट अपना मैट्रिक्स निकाल देना है। इससे क्या होगा, हमें जो 2 एलिमेंट होंगे वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पे 1 0 दे रहा है तो हमें वो 0 लेके डायरेक्ट 2 निकालनी चाहिए, जैसे हमने इतनी जल्दी यहाँ निकाली। ये क्या था, ये था सिंपल और थोड़ा सरल सा मैट्रिक्स। अब यहीं पे मान लो कोई कठिन मैट्रिक्स आए तो हम क्या करेंगे, कठिन मैट्रिक्स आएगा कोई तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ही दिखा देते हैं आपको। सरस रूल क्या होता है, ये हमारा क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए रूल। अब यहाँ क्या रहा है हमारा, सरस रूल, सरस रूल, ये हमारा क्या है, सरस रूल। सरस रूल में क्या होता है, देखो अगर कोई आपको कठिन से कठिन मैट्रिक्स अगर दिया हो, आपको कोई कठिन से कठिन मैट्रिक्स दिया हो, तो सरस रूल से आप तुरंत हल कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जी तीनों जो हमारे कॉलम दे रखे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 2 2 1 0 1 0 2, अब क्या है 2 2 1, क्या है 1 1 2, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, हमने ये तीनों लिख ली, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों लिख लेने हैं। देखो अब हमने तीनों तो लिख लिए तीनों कॉलम, अब हमें C1 और C2 कॉलम और लिख लेने हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 0 2 2 2 1, हमने ये लिख लिए 2 कॉलम और, ये कौन सा कॉलम है, देखो हमने ये तो लिख लिए C1 C2 C3, अब हमने यहाँ क्या लिख लिए, C1 और C2 और लिख लिए।
मतलब हमारे जो C3 है वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, C1 C2 C1 C2। ओके, जो हमारा C3 कॉलम है वो C1 और C2 के बीच में रहना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, हमारा सरस रूल है वो इसी से प्रोसेस अपनाता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम करेंगे एलिमेंट का पिकअप। देखो एलिमेंट में हम क्या करेंगे, देखो कुछ एलिमेंट लेंगे, ये लेंगे हम सबसे पहले। ओके, हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ये एलिमेंट लिया हमने, देखो ये एलिमेंट लेंगे हम, और दूसरा ये एलिमेंट लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। मतलब जब हमारा इसमें 0 दे रहा है तो हमारा क्या होगा, फॉर्म 0 होगा। मतलब हमारे जो 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 0, हमें देखो कैसे बनाने हैं, हमें ऐसा बनाना है, हमारा जो बचना चाहिए यहाँ ऐसा एल प्रकार का बचना चाहिए। अब देखो अगला हम जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, अगला हमारा क्या होगा ये, और उससे अगला होगा ये। मतलब जो सरस रूल है हमारा वो हमारे 3 एलिमेंट के बेस्ड होने चाहिए। 3 एलिमेंट हमारे कौन कौन से, 1 2 0, 2 1 2 और 1 0 1। हमारे जो 3 एलिमेंट हो गए वो ये हो गए। हमें जो फर्स्ट निकालना है वो हमें इन तीनों के बेस्ड निकालना है। देखो अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, देखो 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0 हो गया, 2 का 0 का मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या हो जाएगा पूरा 0, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, देखो प्लस क्या हो जा रहा है, ये हो गया 0, प्लस क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, और फिर इसका मल्टीप्लाई 2 में क्या हो जाएगा, 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 0, मतलब कोई एलिमेंट 0 तरह पूरा 0 हो गया। ओके, माइनस, अब यहाँ से एक और प्रोसेस चालू होती है। प्रोसेस हमारी क्या है, अब हम इधर को लेके चलेंगे, किधर को, अब हम ये वाले एलिमेंट ले लेंगे, देखो। ओके, दूसरा ये ले लेंगे, तीसरा ये ले लेंगे, ये 2 साथ में आए। हमारे ये 3 एलिमेंट हो गए, देखो हमने इसमें क्या लिया, हमारे जो हम इस प्रकार के गोले बना के हम जो 3 3 एलिमेंट लेंगे, हमारा ये फॉर्म बचना चाहिए सिर्फ, समझ गए, हमारा ये फॉर्म बचना चाहिए, बाकी का कोई सा फॉर्म नहीं बचना चाहिए। देखो हम अगर पहला एलिमेंट का लेते हैं तो हमारे ये लिखेंगे, यहाँ तक आना चाहिए हमारा, जो लास्ट एलिमेंट आना चाहिए, 3 जो एलिमेंट आने चाहिए वो लास्ट C2 के लास्ट तक आना चाहिए, और हमारा जो शुरू होगा दूसरे एलिमेंट वो हमारे यहाँ C1 का लास्ट होना चाहिए। ओके, C1 का लास्ट हो गया, और इधर C2 का लास्ट, और हमारा जहाँ से भी लास्ट और शुरू होगा वो होगा C3 में, देखो ये C3 है। अब देखो हम क्या करेंगे, माइनस, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में, मतलब 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 1, मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, क्या आएगा हमारा यहाँ बचेगा, प्लस का 4, माइनस यहाँ बचेगा 4 और 1, माइनस का 5, यहाँ क्या दे रहा है 4, 4 हमारे किसके हैं, प्लस के, 5 माइनस के हैं हमारे, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, -1, जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है वो आया है -1। ओके, जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है वो आया है -1, तो इसी प्रोसेस से हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है वो आया भी आया था -1, सरस रूल से भी हमारा क्या आया है, -1। समझने का मतलब ये है, सरस रूल में सिर्फ कुछ नहीं समझना है, हर कोई हमारे एलिमेंट यही, अगर कोई 4 5 6 7 8 9 4 2 5 ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें ही हमें क्या करना है, ये 2 मैट्रिक्स फिर से लिख लेने हैं, ये वाले तो हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, लिख लिया हमने, ये 2 मैट्रिक्स फिर से लिख लेने हैं, देखो 4 7
चार पाँच आठ टू, फिर से लिख लिया हमने। हमें क्या करना होता है, इस थोड़ा बड़ा करके लिख देते दूसरा ले देना है, देखो थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो सही है। हम लिखेंगे फोर छः। अब ये दो मैट्रिक्स हम लिख लेंगे, लेकिन चार सात चार पाँच आठ सात लिख ली हम, ये दो मैट्रिक्स लिख दिए। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हम पहला पहला क्या है हमारे, जो हम लेंगे थ्री का, थ्री जो एलिमेंट लेंगे वो हम लेंगे सी थ्री से ही लेंगे। वैसे लेंगे देखो, हमारे जो पहले एलिमेंट आएगा वो आएगा ये, क्योंकि अगर हम ये एलिमेंट लेते हैं टू ही तो बनना है ये, अगर हम ये एलिमेंट ले रहे हैं तो टू ही तो बनना है। सेवन सेवन हमारे क्या बनने चाहिए, थ्री एलिमेंट, फोर एट सिक्स। और मैंने क्या बताया था, ये सिर्फ प्रोसेस थ्री इंटू थ्री में ही अप्लाई हो सकता है। मतलब अगर आपका फोर इंटू फोर का दे रखा है कोई, तो आप फोर का वन एलिमेंट लेके जो हमारे थ्री का फॉर्म दे रखा होगा थ्री इंटू थ्री का, उसमें हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। बाकी का वन टू थ्री या आगे जो भी हो वो से वो वही रहेगा, और फिर हम सरस रूल के द्वारा वो निकाल के उसमें उसका मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, लेकिन वो प्रोसेस कुछ कठिन है। ओके हमारे ये छोड़, अब यहाँ टू एलिमेंट आ रहे हैं, थ्री आने चाहिए। देखो अगर ये लेंगे हम थ्री एलिमेंट, फाइव नाइन फोर, ये लेंगे हम थ्री एलिमेंट। अब इससे आगे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इससे आगे टू एलिमेंट है, अगला कोई है ही नहीं, और अगला कोई हमें रखना भी नहीं। अब देखो जब हम इसका यहाँ करेंगे, एट का मल्टीप्लाई फोर में, चौक बत्तीस, बत्तीस का मल्टीप्लाई सिक्स में, बत्तीस इंटू सिक्स बारह, उन्नीस, 192। मतलब 192 जो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं वो 192 प्लस। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 9 5 45, 90, 90 2 180। ओके अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 49 6 36 है, 9 6 36 इसका आ रहा है 294। ओके 294, 200 प्लस क्या हो जा रहा है, प्लस 294। ओके माइनस अगला हमारा क्या होगा, देखो सर सूत्र में अगला क्या होगा, अगला होगा हमारा ये फॉर्म, क्योंकि इससे ऊपर हमारा क्या है, टू इंटू टू है। अगला क्या होगा, अगला होगा ये, और इससे अगला ये, दिख गए आपको तीनों, तीनों दिख गए होंगे। देखो 4 8 6 7 9 4 6 7 5, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट आए हैं वो हमारे क्या हैं, बिल्कुल थ्री के आए हैं। अगर हम अगला कोई एलिमेंट अगर बनाते हैं तो एट और फोर ही है, अगला तीसरा है नहीं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दो, माइनस माइनस क्या होगा, अब हम इसका करेंगे 48 × 4, 48 × 8 = 32, 16 और 3 19, 192। ओके ये भी 192 है प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 63 × 4, 12 × 2 = 6 × 24 = 25, 252 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 7 में 21, इसका आ जाएगा 210। देखो ना कुछ अगर गलती हो जाए मल्टीप्लाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लेना हो जाती है। फिर अगला आगे देखते हैं हम, आगे क्या होगा, हम इन सबको जोड़ देंगे। देखो ऐसे 4 और 2 6 और 9 और 17 17 और ये हुए 26, 6 + 2। ओके और 2 और 1 3 और 4,
और 2 6 666 माइनस, ये हम जोड़ देंगे, 0 0 रहेगा, 2 और 2 4 और 1 6 और 9 5, 1 बचा हमारे पास, 2 2 4 और 5 और 1 6, मतलब हमारा जो कभी भी मैट्रिक्स आएगा, देखो अब हम इसमें से घटा देंगे, सिंपल है, 666 ज़्यादा है, 654 कम है, 6 में से 4 गए, 2 बचा, 6 में से 5 गया, कितना बचा हमारा 1, और 6 में से कुछ, मतलब हमारे जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा 12, वो भी किसका, प्लस का, मतलब इसके द्वारा अगर आपको आसानी पड़ जाएगी निकालने में, देखो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो कभी भी इतनी बड़ी फॉर्म का, 3 एलिमेंट का नहीं आएगा, मैट्रिक्स आएगा छोटी फॉर्म, छोटी संख्या आएगी जो हमारी मैट्रिक्स में आएगी, देखो कोई अगर इतना, मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हो जिसमें एक भी एलिमेंट जीरो ना हो, प्लस बड़ी बड़ी संख्या हो, तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो सरस रूल आपको और 4x4 का मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, और हमने एक एग्जांपल दिया था वो आप भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो हम आपको अगली वीडियो फिर लेके आएंगे इंटरेस्टिंग के साथ, अगला अच्छे टॉपिक के साथ, आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको अगली वीडियो भी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।